कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान, शंकर भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई
ठाकुर तुम शरणाई आया। देखो गुरु दे बगैर बंधन नहीं कट सकते, सारे कहो हरे कृष्णा। एक बार की गल है, महारिषि नारद जी ने जदों कोई गुरु नहीं धारण किया था तो ब्रह्मा की सभा से गए तो रोज आते सी, पर जिथे वो बैठते थे मिट्टी फुक देंगे थे, उतने होर मिट्टी भरते। एक दिन नारद जी ने पूछा भी ये मिट्टी जिथे मैं बैठता भी उत्थे की मिट्टी तुम कह पटते? वो कहते तू बहुत बुरा आया। क्यों? अगर नगोरा है नगोरे का नाम बुरा है, जिथे नगोरा बह जाता उत्थे की मिट्टी भी भ्रष्ट हो जाती। वो धरती कहती भी ये नगोरा मेरे पर क्यों बैठा? नगोरा मुझको नाम मिले, हर एक देवी देवते भगवान गल कर और कहते भी नगोरे आदमी का दर्शन ना होगा। पापी मिले हजार, एक नगोरे दे सिर पर सौ पापियां का पाप। बोलो हरे कृष्ण। नारद जी कहते फिर मैं गुरु कितने धारा किनू धारा? कहते उन्हें तो तू देख ले, पानी पिए छान के गुरु करिए पहचान के। नारद जी कहते चलगा ये भी काम घट ही लेने कल, रोज जिते जाने फा पैंता मिट्टी पुट लेना भी उदा भी मैंने नगोरा नगोरा ही कहते, ये भी गंडा कट लेने। सवेर नो ना मैं निकी का कहना मन सवेर उठना, पहले नदी पर जाकर नहाना, झुंगड़ बट्टा लेना कर जेड़ा मैंने पहले दर्शन दिए हो गुरु लेना बना। बोलो हरे हरे। कहते ठीक है। नारद जी रात में सौन लगे तो कहते रब्बा कोई चंगा जिहा महापुरुष मिला दी, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया बातां बोले, ऐसा कोई संत मिले नाम जपो और जेड़ा मार ज्ञान दे थोड़ी, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मार ज्ञान दे थोड़ी, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मार ज्ञान दे थोड़ी, ऐसा कोई संत मिले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जब सवेर नो नारद जी उठे झुंगड़ बाटा लिया कर नहाण गए नदी दे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो उत नखास मग के कोई मल मछियां मारी जा बैठा। कहते लै पै गया भोग, जब ये आप ही फसिया वा मछियां मार लिया, ये आप बंधन बिच है, जब हूं इतने मारना मछियां
मछियां ने बेरी नो मारना एक कर्म हो गया। बोलो हरे कृष्ण। कहना पता नहीं क्या गल है, गुरु भी मिलिया पापी मिलिया, हूं मैं दीन बनाना गुरु कसम खा पे गुरु बना के तो मैं भी डर कर जाना फिर। बोलो हरे कृष्ण। नारद जी वापस आ गए, वापस आके कहन लगे ब्रह्मा जी कहते क्यों भी गुरु धार रहे। कहता मारे क्या धारने को, जे चीते कहते भी ये ना होगा वो भी हुई, मैं बचता तो भी कोई खरा जा बंदा मिले गुरु बनने लायक होगा वो मिल गया मछलियां मारने वाला। मैं इतने भी झुंगल बाटा करके गया झुंग कट के भी कोई खरा जा मिले मेरा, मैं खरे जा मुंह देखा। फिर हूं ब्रह्मा जी कहते उन मछलियां मारने वाले ने अपने पाप कर्म का फल उन भोगना तैं तो नहीं भोगना। बोलो हरे शराब पीवे मांस खावे मच्छियां मारे जो मर्जी करे कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कट्या दे पास करनगे सू भरनगे तू की पियाऊगा। जब तैं कहा मैं जिहड़ा मैनूं पहले मिले मैं उह गुरु बनाने तां क्या पर मच्छियां मारने वाला ही तेरा गुरु होवे कुछ तैनूं दसे उह। कहिंदे चलो भी देख लैणे कि जाओ उहदे कोले पुछो। जदों गए नारद जी ने तो मच्छियां मारने वाले नु गुरु मान लिया मत्था टेक लिया। कहता महाराज मैनू ये दसो भी लख 84 जून जरा बंधन है जीव का यह कि कट होगा। वो मच्छियां मारन वाला कहता तू इदा करी भगवान दे कोल जाई भगवान नु कही कि जरा मच्छी जरा लख 84 जून है नक्शा बना के दो मैं पर बनाना धरती पर है। जो नक्शा बन जाऊगा ना तो तू उपर मेटर जाए तो भगवान ने तेन पूछना भी यह क्या करता है तू कही ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮੇਟਦਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਟ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਮੇਟਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ 84 ਜੂਨ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪਰ 84 ਜੂਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਰੇਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 84 ਜੂਨ ਮਿਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਟਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਟਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਟਣੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਣੀ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੇਰਾ ਨਿਚਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇਰਾ ਭਾਵ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਿਆ ਹੈ? ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਕਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।
ही नहीं। एक बार एक राजा ने एक बंदे नो हरे कृष्ण फांसी का हुक्म देता है कि इनू फांसी लटकाओ। उन्हों फांसी ते लेके तख्ते पर खड़ा कर देता है, फंदा गल पाने आले ते कानून ये है भी मरने आले की इच्छा पूरी की जाती, खाने पीने की होर नहीं जा मिलने की। जदों फंदा पाने से पहले उन्होंने पूछा भी तैं कुछ खाना पीना किसी मिलना, कहता खाना भी है और मिलना है। ठीक है भाई, मिलना किनू है? अगे राजा नू मिलना है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। राजा साहब आ गए। राजा साहब कहन लगे भाई तैं मैनु बुलाया, दस क्या काम है? कहता जी तुहाडे बंदिया ने मैंने पूछा भी तुझे मिलना किसी, मैं क्या राजा नू मिलना है। फिर इन्हें पूछा वो खाना, मैं क्या खाना भी है। कहते राजन मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती, राजा कहना हाँ की जाती, फिर मेरी इच्छा पूरी करो। अगे क्या है? अगे खाने की इच्छा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तेरिया जिन्निया राणियां हैं 365 राणी, रोज एक राणी मैनो अपने हत्था नाल रोटी पका के खड़ा है। रोज कहने के राजा ने कहा भी कमाल ही हो गई, 365 दिन बद गई थी, 365 रानियां हैं। सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे फिर बोलो हरे कृष्ण, हरे राजा ने कहा भी ठीक है, ला दे फांसी दे तक दे दे। रानियां ने कहा भाई इनो चंगी चंगी सब्जी बना बना के खिलाओ, एक रानी का एक दिन नंबर, दूजी का दूजे दिन नंबर। राजा का हुक्म था, सारिया रानिया ने बड़े प्यार नाल शौक नाल बढ़िया ते बढ़िया सब्जी बना के उन्होंने भोजन करा दिया। जिले लास्ट रानी का टाइम आ गया, मतलब पहले रोटी खानी बाद फांसी लानी, ओ रानी सब ते प्यारी थी राजा ने, उदे घर गए तो रानी ने तो इन्निया हलवाई बुला ले पे ते इन्निया चीजा रख दी ते गोवर्धन पूजा करनी होती। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पता नहीं किन्ने चीजा खाने रख देती है। तो खाव है ही नहीं, हरे कृष्ण देखी आवे सारे। रानी कहती पाऊ बेटा मैं इन्नी मेहनत की, इन्ना कुछ बनाया पर तै एक फुरकी नहीं बनी, रोई अंदर। कहता माता जी एक पास रखे हुए 36 प्रकार के पदार्थ, एक पास सुज का फांसी का फंदा रस्सा नजर आया कर। जिस बंदे हूने फांसी लगनी होगी और ऊद अगे रख दियां कितनिया एडमां, तो माता जी उन सा लेना औखा खाना सुहा है, बहुत मुश्किल है खाना। क्यों? मौत नहीं सुझती,
सामने मोर कह लगा भी मैं ते खा नहीं सकता, मैं क्षमा करना तुसी बड़ी मेहनत की मेरे वास्ते पर मैं खा नहीं सकता। कहते अच्छा भाऊ ये दल खाऊंगा किदा दिता, कहना मां तेरे हाथ ये कार्य मैं कह हरे कृष्णा कह लगे क्या कहते है मेरे कागज पत्र जिले राजा साहब आन गए ना भोजन करना अगे रखी इधर पर माड़ा जा काटा बजवा ली मैं फांसी मार बस। गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर देखी हाथ साडे किदां शकदे रूपी पे हूं तक भी भुखी मर गए की है। कह लगी रानी कह लगी ठीक है राजा साहब आए वो कागज पत्र रख दते कहनी थोड़ा को काम है करना है। सारे बोलो हरे कृष्णा एक करना है। रानी राजा ने कहा ठीक है हरे कृष्ण जी। कह लगे उसी वेले राजा ने वो जिदे पर फांसी दिखी थी और राजा राष्ट्रपति हुंदा राष्ट्रपति जी नु माफ कर देवे फिर उन कोई भी फांसी ला सकता नहीं है। राजा ने माफ कर दी थी फांसी काटा बज गया बस हरे कृष्णा। फिर लगा बैठा कट कट के खान प्रसादा फिर ता अगले पिछले रड़का चक दतिया बइया सइया भी कट कट कर दतिया। उदे बाद बोलो हरे कृष्ण। राजा साहब ने पूछा भाऊ ए दस पे 365 दिन ते मेरे घर की रोटी खाधी रानिया ने आप बना के तेन खिलाई हूं ते मैं ये दसना भी सबसे ज्यादा स्वाद किस राणी की रोटी दी। कहिंदा राजा साहब जी सारिया राणिया मां दे समान मेरे सब नो प्रणाम मेरा कसर किसी ने नहीं छड़ी सारिया ने बहुत अच्छा भोजन बनाया पर हुण ए तुहानू भी पता है एक पासा भोजन दूजे पासा फांसी पर ज्यादा स्वाद उस राणी का भोजन लग्या जिन फांसी का फंदा बोलो हरे कृष्ण। जिन फांसी का फंदा कटाता ज्यादा स्वाद था उस माता का भोजन था और मैं बेफिक्र हो गया मेरा जरा डर था वो खत्म हो गया। कह लगे हुण ये एक दृष्टांत दिता गया राणी कौन है राजा कौन है जिन्हों फांसी लगनी वो कौन है। कहते राजा तो है भगवान बोलो हरे कृष्ण। राणिया है संत महात्मा भगवान दिया राणिया संत भगवान संतां दी गल मनदे ता संत भगवान दी गल नहीं करदे और
जिन माप फांसी माफ कराई वो केड़ी रानी है जिन सानू गुरु मंत्र दिता है नाम दान दीक्षा दी। और फांसी क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ये जीव आत्मा ही वो मुलजम है। जीव आत्मा जिन पता नहीं किन्ने पाप किते हुए हैं, जिन्हों बार बार गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, बाल स्तावत क्रीड़ा शक्ति, तरुण स्तावत तरुण शक्ति, वृद्धा यावत चिंता मगनो, को अपिना पार ब्रह्मणी लगन। और भज गोविंदम गोविंदम भरमूढ़ मते। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी लिखा है, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म सैर पत्थर हो रहे, कई जन्म वृक्ष जोयो। और मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए देश संजरिया। पता नहीं किन्नी खाखा चुनिया दी मार ए जीव हो गया लचार। चोट 84 लाख सीने पर चली है, बड़े पहाड़ से ए मनुख दे ही मिली है। ए जीव आत्मा मुलजम है, इनू बार बार सजा है। कदी कुत्ते ने जन्म जाता, कदी बिल्लिया ने जन्म भी जाता, कदी कदी उल्लू बनता, कबूतर बनता, चिड़िया बनता, मछिया बनता, बाघ बनता, बैल बनता। भजन बिन बैल बराने होई है, चार पाद दो सिंह गुंग मुख, अब कैसे गुण गई है। भजन बिन बैल बराने होई है। भगवान दे नाम दे बगैर पता नहीं पशुओं की जून बिच गया, पंछियों की जून बिच गया, वृक्षों की जून बिच गया, सैर पत्थरों की जून बिच गया। पर ये जेड़े बंधन है, एक गुरु के बगैर जब तक गुरु महाराज साढ़े पर कृपा नहीं करते, तब तक असि इदा ही धक्के खाते रहे। जब असि गुरु महाराज के पास जावे, नाम दान लवेंगे, भजन करेंगे, भजन करके गल मुकनी। वैसे हम तुम किसी डॉक्टर साहब पास जाके दवाई ले लो, बेटे चीज बंद करके रख लो, ना तो पद रखो ना दवाई खाओ, बाद भी डॉक्टर वाला भर दियो निराम हो या तो दवाई आती। तो डॉक्टर कहते दवाई खाती थी, तो कहते मैं सुधा संभाल कर रखी है पुड़िया टैक्सी पा के, कहते तो टैक्सी पाई पाई थोड़ा देर आराम करना, पत रखिया वो भी नहीं रखिया। इतने गुरु महाराज वैद है, सतगुर वैद बचन विश पासा, मेहनत च पाई है सतगुर वैद बचन विश पासा। संगम आसा संगम जैन पिछे की
वो दवाई आई। फिर उन्होंने कहा भी शराब नहीं पीनी, मांस मच्छी अंडा नहीं खाना, चूली निंदा नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा दौ दगा बेईमानी नहीं करनी, ये परहेज है। पर नाम दान तो ले लिया, फिर मुड़के नाम दान दवाई मतलब जब तो नाम दान लेके रख लिया जपया है ना माड़े कर्म ते मन मूड़िया, जो जी कीता वो खा लिया, जो मन ने किया वो कर लिया, गुरु दे कहना नहीं मनिया। ते मेरे भाग रोग की दुआ भाई कितना आराम होएगा सबको। स्कूल बीते एक बारी गए थे नौ लगाए मुड़ कर ने देखे स्कूल कितना, बोलो हरे कृष्ण। ना टीचर पर बैठे भी पेपर सवार मिल होने नंबर कितने खाने देखा तो है ही नहीं, टीचर को बैठे नहीं। एक बारी गुरु धार ने भा वट लिया, मुड़के कभी गुरुआ का दर्शन नहीं किया, गुरुआ का सत्संग नहीं सुने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और फिर कल्याण कितना होएगा, ना साडा ना तुहाडा की धन होएगा। सत्संग में आना चाहिए, नाम रूप जपना चाहिए। कहते भी एक माई ने सूई का दान किया, देखती कल माल बाकी होगा आंदा। तो इदा ही भगवान का नाम जीव लेता है नहीं, तो भगवान से बड़बड़िया डिमांडा करता, मेरी ए काम हो जाए, मेरा ए भी हो जाए, मेरी ए भी हो जाए। एक बारी नारद जी देखो, नारद जी गए वैकुंठ लोग, बोलो हरे कृष्ण। तो वैकुंठ लोग खाली पे भगवान कहते नारद जी तुसी आए, कहना महाराज मैं नरकों विचों आया पहले, तो उत्तर गुड़बुल गुड़बुल हो कर दी, इतने तुहाडा कोई नहीं। कहते तेनों भी नहीं पता इतने तो बिरले बिरले नहीं आना, वैकुंठ सारे वास्ते थोड़ी है। जिहड़ा नाम जपेगा भजन करेगा सिमन करेगा माड़े कम्मां ते हटेगा भैड़ियां आदतां छड्डेगा भैड़े विचार छड्डेगा भैड़ा खाना भैड़ा पीना भैड़ी जगह जाना, उही वैकुंठ विच आ सकदा। फिर बोलो हरे कृष्ण। कह लगे फिर इन्ना भी काम ला के आओ, अगर तो मैं हूं जाने नंगल नू फिक्र ना कर, थोड़ा वैकुंठ खजा खज पा देना, इतने जगह नहीं मिलनी। यार आए नारे दी मृत्यु रोग बिच सारे नो कहन भाई भाई चलो उत्थे कला साहब की कथा करवाया कर दे, भाई उत्थे सत्संग सुनो, भाई नाम दान लाओ भजन करो। तो कोई कह मेरा ऐ काम है, कोई कहता मेरा ऐ काम है, कोई कहता मेरा ऐ काम है। लास्ट में एक बंदा मिलिया कहता जे मेरा घर आलाद हो जावे ना फिर मैं नाम जपना। बस नारद जी कहते भगवान नु जाके मारे है नहीं मनिया कोई भी। इधर सारे बरमला दरबाड़ा निकू नंग ए मान गुरुवर मीर बरपट्टी बोलो हरे कृष्ण। इधर जौली मोड़ मोचो हाल कुंसार है वो बेर है नहीं नाम जपन। एक बंदा है वो कहता मेरे घर आलाद हो जाए मैं नाम जपूंगा।
भी है नहीं। कहते नहीं महाराज तुम कृपा कर दो, भगवान ने फल दिता कहते जाओ चार बेटे हो जाएंगे। जिले फल देते महाराज की कृपा हो गई, चार बेटे हो गए। नारद जी आके कहते बधाइया हूं नाम जपो। फिर कहते जब ये नहीं दिन सूरी हूं कोई जाता तो मुक्ति जाता। बोलो हरे कृष्ण कोई वह वह करी जाता। हूं दसो नाम जब ये जाई ना उधर आने में। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। ए नहीं कोई नाम तो तुमने फेल जपता तुम ए कहने जरा इन बड़े हो गए फिर नाम जपा। जब बड़े हो गए तो कहते हूं नाम जपो। कहते हूं देखो माता पिता की फर्ज बनता बच्चे को पढ़ाने। हूं देखो इन्हों घर भी पढ़ाते स्कूल भी छत्ती जाते लियान जाते इन्हों का बड़ा फिक्र है। जरा पढ़ लेंगे पढ़ ले कहते हूं जपो। कहते हूं पढ़ाई लिखाई हो गई असं कहते भी नौकरी मिल जाती ना कारोबार की। चलो फिर कारोबार भी मिल गया। कहते हूं नाम जपो। कहते महाराज तुम्हें पता लोग कड़माइया दौड़े हुए कड़माइया भी हो गई। फिर कहते हूं जपो। कहते मैं ब्याह हो गया। फिर ब्याह हो गए फिर नारद जी आए कहते हूं जपो। कहते हूं साड़ी कोई इच्छा है साढ़े बैठे को लोग हो जाती। बोलो हरे कृष्ण फिर नाम ही जपना साढ़े बैठे को लूंग फुट जाती लूंगा भी हो गई। कहते हूं जपो। कहते जी हूं तुम्हें पता ही हो ही हाल न्याणे निकले गए हैं बहुआ सदूर तो नौकरी निकल जानी है साड़ी खुशी पाने मुंडे दफ्तर काम करते हूं न्याणे खड़ाइए पोतू जाके नाम जपिए। महाराज है नहीं जपया नाम मर गए। गुरु धारण के बगैर ही चले गए नगुरे ही चले गए। फिर लगिया जूनिया कुत्ता बन के एक दिन उसे दरवाजे च बैठे। नारद जी आए फिर देखे से कित है न्याणे ने पूछा वो थोड़ा बापू कित है वो मर गया हुआ है। तो नारद जी ने अपने दिव्य दृष्टि ने देख लिया कुत्ता बन के उठा बैठा। नारद जी कहते कुत्ते कान कहते जे तू कह मन तो कुत्ता नहीं बनता तो तू हूं बैठा बैठा है। कहता महाराज गल ये है नारद जी कहते जे तू हूं कहते दो अखर दो तेरी कन होनी कह देना। कहता महाराज ये सौ लेंदे मैं घर की राखी कर। बोलो हरे कृष्ण जे हूं ए मैं नाम दान लगे मेरी मुक्ति हो जानी ये न्याणे की चोरी हो जानी कह रही थी देखना। नारद जी कहते काम खराब नहीं जप जी साहेब जी अंदर लिखा है कि मोह दिया चपेट मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने गुरुआ का कहना मन लगा तो यह मोह दबेड़ा ना खाता मन मोह चोटा ना खाए मन मोह चोटा ना खाए मन जम के साथ मचाए मन जम के साथ मचाए। जे तू गुरुआ का कहना मन लगा तो जम जम ना तेन लेना तेन भगवान लेना है साथ जाए ऐसा नाम नरन
नारद जी कहते कि किथे पुजया ते बैल नहीं। नारद जी फिर उहदे कान तक कहते जे तू हुण मन जमे ना तो तेरे कान दो बोल हुण ही कह देना। ओ कहंदा जी उस वेले ट्रैक्टर नहीं होंदे थे, बैलां दी बड़ी कीमत होंदी थी। जब भी मैंने नाम देना मैं मर जाना फिर इन्होंने हाल गिन पाया। बोलो अरे मतलब मोह ऐसी चीज है मोड़ मोड़ के उन्होंने उठे लिया और कई दुनिया पुटा लिया मोह ऐसी। इस करके भगवत गीता में लिखा है कि मोह करना है तो पंख के बिहारी नाल ही करो। और मोह करना है तो ठाकुर जी नाल ही करो कि ठाकुर जी मेरे ताकि मर के भी किसी कंडे कराखर लग जाए, नहीं तो पता नहीं कितने कुड़ू कुड़ू होके बैठना लख चौरासी क्यों में जाना। फिर उसके बाद वो गंदगी का कीड़ा पड़िया। फिर नारद जी ने कान कहा भी हुण नाम दे बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है, नाम दे बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है। हरे कृष्णा राणा जी बहुत ही अच्छे प्रभु के प्यारे। हरे कृष्णा
ठाकुर जी दे लाडले और साडे नामदान लिया होया है और हुण आए थे भागवत में भी आए थे तो सारे गरीबां दी भी सुनदे सबना दा काम करदे है। बोलो हरे कृष्ण हरे ऐसे जीता चाहिए जो साडे देश की तरक्की करन और साडे गरीबां दी कोई नहीं सुनदा अमीरां दी थाली सुनदे। बोलो हरे कृष्ण हरे फिर बोलो हरे राणा जी को कोई बुला ले छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब साडे पंडित जी हरी राम जी ये साडे बहुत पुराने चेले है हरी नगर अपने थे राजनगर सब ते पहले ही साडे सत्संग कराने होंदे सी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारद जी लेके गए उस प्राणी नूं ते भगवान दे दरबार विच जदे पहुंचे ते भगवान बड़े हसे कहन लगे नारद जी क्यों तू कहंदा मैं सारा वैकुंठ ही भर देना सारा ही कहंदा महाराज ये भी घड़ीस के लिया एक अपने आप ही आया और भगवान दे पास सारे नहीं लगते जिदे पर भगवान की कृपा होंगी दूसरे लगते। हरे कृष्ण महापुरुष का सानू बार बार हुक्का दिंदे भी नाम जपो भजन करो सिमरन करो भजन के बगैर ही साडिया हालत खराब होंगे इस करके मैनू भी तुहानू भी सबना नाम जपना चाहिए और हम ऐसी समाप्ति करते हैं और मैं कल पूछ के गया था परमिशन ले कपड़ा साहब ने पूछा मैं क्या भी नैना दे प्रोग्राम है ते कपड़ा साहब कहते जनता उस खबर ले आती थी पर उधर वाले चंड कटे जाते और मैं नैना दे भी सत मंदिर नहीं गया अजनोर पिंड है उधर सत्संग कर लिया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम आओ ठाकुर जी आरती करते हैं और कल का दिन बाकी रह गया है फिर ज्वार मार्केट 25-29 तक शाम 7-10 बजे तक सत्संग होया करेगा। सारिया संतां ने कल नूं भोग पर सबना ने आना है अज भी हाल खटा कर भर गया और ये संगतां बहुत ही श्रद्धालु है ये सारिया अपनिया संगतां प्रभु दे प्रेमी बैठे सारे नाम जपने वाले घूंग रहे नहीं ये इत्थे ओही आ सकते जिहड़े भजन करने नाम जपण आईया संगतां Yeah.
ਸੰਗੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ।